आज फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, और इसमें पहला है इंट्रोडक्शन और उसमें भी नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। आईटी गैजेट्स जो है आपको आगे चल के समझ में आएगा। और नेक्स्ट जो हेडिंग, उसके अंदर जो हेडिंग है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन किसका हम कंप्यूटर का देंगे, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, इसमें पहला दिया है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के एक सेट के अनुसार कार्य या गणना करता है। ये सही बात है, मशीन है, यूजर मतलब हम, हमारे द्वारा जो कुछ भी निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर को। ओके, कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिया जाता है वो कार्य करता है। अब जैसे मैं आपको यहां पे दिखा दूं, ये आपका कंप्यूटर दिखेगा आपको, ये देखिए। ठीक है, ये दोनों, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है और ये लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक बेटा, दोनों ही कंप्यूटर हैं। ये जब हम कुछ कीबोर्ड के द्वारा कुछ निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर कार्य करने लगता है, या यहां बोले इसके कीबोर्ड पे कार्य कर कुछ निर्देश देते हैं तो कार्य करने लगता है, यहां पे हम कुछ टाइप करते हैं तो कंप्यूटर कार्य करने लगता है ना। तो वही हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट बेटा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, और ये तो सही है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, आपका बिजली से चलने वाला, जो इनपुट डिवाइस से डेटा को स्वीकार करता है। इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं बेटा, डिवाइस मतलब उपकरण। अब ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये आपका कीबोर्ड, माउस और भी बहुत सारे होते हैं, ये इनपुट है। इनपुट मतलब आप जब कीबोर्ड का बटन दबाते हो तो कंप्यूटर के अंदर सिग्नल जाता है, निर्देश जाता है या डेटा जाता है, ऐसे माउस के द्वारा भी जाता है, इनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो डेटा को स्वीकार करता है, कंप्यूटर स्वीकार करता है तथा निर्देशों के अनुसार गणना और संचालन करके डेटा को संसाधित मतलब प्रोसेस्ड करता है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे हम कुछ जैसे मान लो हम मारिकपुर टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड के द्वारा, यहाँ से हम मारिकपुर टाइप करते हैं, तो ये क्या करता है, इसको भेजता है कंप्यूटर को और फटाफट यहाँ पे दिखने लगता है। तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है, मतलब जो हम टाइप करते हैं यहाँ पे बना के यहाँ पे दिखा देता है। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया बेटा कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिखाया जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड मतलब होता है जो हम टाइप करते हैं उसको बना के वो कंप्यूटर दिखा देता है। नेक्स्ट क्या है, आजकल कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सही बात है ना, हिस्सा तो बन गया, क्योंकि कंप्यूटर लगभग हर कार्य में यूज होता है, हॉस्पिटल में, एजुकेशन में, आपका बैंक में, निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, हमेशा यूज होता है। और नेक्स्ट क्या दिया है, संगणक शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटारे से बना है। देखो आप अपने नोट में देखो यही सब लिखा है, जिसका अर्थ है गणना करना। ठीक है, तो ये पढ़ लेना अच्छे से जो दिया है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका आविष्कार मूल रूप से जल्दी और सटीक गणना करने के लिए किया गया था। सही बात है, आप अगर हाथ से अगर गणना करने लगोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर से करते हो तो जल्दी और सटीक गणना करता है। क्लियर। अब यहाँ पे दिया है नेक्स्ट टॉपिक है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के प्रमुख घटक। इसमें क्या क्या दिया है, कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। मैं आपको एक ये दिखाता हूँ डायग्राम, आपको अच्छा मालूम पड़ेगा। अब ये डायग्राम ध्यान से देखना, इसमें क्या है, इसमें जो आपका अलग अलग दिया गया है बेटा, ठीक है, अलग अलग दिया है, ध्यान से देखना। अब इसमें कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके अंदर क्या है, मेमोरी यूनिट है,
उसके बाद क्या है, इनपुट यूनिट भी है जहां से इनपुट आता है, और फिर क्या है आपका आउटपुट यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट भी है, ठीक है। तो अब ध्यान समझना, ये सब मेन पार्ट होते हैं, ये कंप्यूटर के जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, इसके आगे पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, इसके बारे में। अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि फर्स्ट टॉपिक है और पॉइंट है, सीपीयू कंप्यूटर का दिल है, यह इकाई वास्तव में निर्देशों को निष्पादित या एग्जीक्यूट करती है। याद रखना ये सब जो कुछ पढ़ा रहा हूं एडीसी और ट्रिपल सी में दोनों में चलेगा, जो 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 शब्द आपको इसमें लिखा गया है वो ट्रिपल सी में ऐसे ही पूछता है, ठीक है। तो यहां पर निष्पादित, एग्जीक्यूट का अर्थ होता है निष्पादित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, सीपीयू के प्रमुख भाग क्या क्या है, कंट्रोल यूनिट जो कि ये वाला पार्ट है, कंट्रोल यूनिट आपका। उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और हाँ ये दो पार्ट होते हैं, याद रखना। मेमोरी यूनिट के बारे में बाद में व्याख्या होगी, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद दिया कंट्रोल यूनिट, अब कंट्रोल यूनिट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजकर कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले संचालन को नियंत्रित करता है। देखो इसका अर्थ होता है कि जब ये कंप्यूटर, अब यहाँ पे अब जो कंप्यूटर है यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था ये कंप्यूटर, ठीक बेटा, यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है, अब इसके अंदर ही सीपीयू होता है, ये जो डब्बा इसके अंदर सीपीयू होता है, और लैपटॉप के अंदर अंदर यहाँ पे सीपीयू होता है, ठीक बेटा, यहाँ पे सीपीयू अंदर होता है, और ये डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर इसके अंदर यहाँ पे सीपीयू होता है, क्लियर। तो इसके अंदर जो डायग्राम है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसके अंदर का डायग्राम है सीपीयू के अंदर का। अब यहाँ पे बोलता है कंट्रोल यूनिट क्या करता है बेटा, कि कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल भेजकर कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले संचालन को नियंत्रित करता है, मतलब कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत सारे कार्य होते रहते हैं, है ना, तो सिग्नल भेज के वो चालू करता है, सिग्नल भेज के वो बंद करता है, सिग्नल भेज के कुछ और कार्य करवाता है, मतलब जैसे एक तरह से आप समझ लो कि घर के अंदर ऐसे अलार्म आप सेट कर देते हो, इस टाइम को ये कार्य करना है, इस टाइम को ये कार्य करना है, इस टाइम को ये कार्य करना है, या 8-10 लोग हो, जब आप लोग काम करते हो तो एक दूसरे को फोन करते हो, हाँ ये काम करो, और फिर आपको कुछ देर के लिए ब्रेक लेना है तो फिर फोन करते हो, ये रुक जाओ अभी, फिर फोन करते हो, चालू कर दो काम, है ना। तो ऐसे ही कंट्रोल यूनिट जैसा नाम है वैसा काम ये क्या करता है, मेन कंट्रोल करता है, सारा कार्य जो सीपीयू के अंदर होता है इसी के द्वारा मैनेज किया जाता है, आप इसको मैनेजर बोल सकते हो, क्लियर। आगे पढ़ते हैं एलयू के बारे में क्या दिया बेटा, कि एलयू मतलब ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके बारे में क्या बोल रहा है कि यह कार्यक्रम के निष्पादन के लिए सभी अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है ना, अंक गणितीय जोड़ घटाना गुणा भाग जितना भी होता है अंक गणितीय कार्य, और तार्किक है ना, इससे बड़ा इससे छोटा और भी तार्किक जो कार्य होते हैं वो कार्य करता है। अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की, इसमें पहला पॉइंट है मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर के डेटा और कार्यक्रमों को संग्रहित मतलब स्टोर करता है, ठीक है, मतलब जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर कार्यक्रम होता है ये मेमोरी यूनिट उसको संग्रहित करता है, अपने पास रखता है, स्टोर करता है, क्लियर। अब उसमें पता है कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, ओके, पहला क्या है प्राइमरी मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी, ओके, अब इसके अंदर क्या है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। देखो ये सेकेंडरी स्टोरेज दिया है वही मेमोरी है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी होती है, जहां पे मेमोरी यूनिट लिखा है यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी होती है, और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हो, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, क्लियर। नोट में है, आगे दिया है नोट में कि इनपुट डिवाइस, पहला पॉइंट है इस इकाई का
उपयोग यूजर द्वारा कंप्यूटर को डेटा देने के लिए किया जाता है। क्लियर? कंप्यूटर को डेटा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक आदि कुछ मुख्य इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अब जैसे आपको मैं दिखा देता हूं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ठीक है। अब यहां पर लाइट पेन है, माइक्रोफोन, देखो कीबोर्ड माउस तो देख ही रहे हो, यहां पे मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ठीक है, ये कीबोर्ड कहलाता है और ये माउस, या ये माउस कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, लाइट पेन। तो लाइट पेन आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पे अगर मैं टाइप करूं लाइट पेन, LIGHT लाइट पेन, तो आप देख सकते हो लाइट पेन कैसा होता था, अब तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती, ये देखो लाइट पेन, ठीक है, यहां पे मैं जूम कर देता हूं, ये देखो ये क्या होता है, इसके ऊपर लिखता है वो, ठीक है। तो इसके द्वारा इनपुट इस कंप्यूटर के उपकरण के अंदर जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया है आपको, माइक्रोफोन, मतलब माइक, पता ही है आप हमेशा माइक से बात करते हो, फोन में लगा वो माइक ही होता है ना। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन मोबाइल पे, टच स्क्रीन देखिए टच करके आप कार्य करते हो। जॉयस्टिक, अब जॉयस्टिक मैं दिखा देता हूं क्या होता है आपको, ये देखो बेटा ये होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक और भी कई तरह के होते हैं, ये जॉयस्टिक होता है जो कि गेम वेम खेलने के ज्यादा कार्य में आता है। क्लियर? इसपे ऊपर के देखो बटन लगे रहते हैं, माउस की जगह इसको कार्य करते हैं जब डिजाइन विजाइन कुछ करना होता है, या गेम, ज्यादातर गेम खेलने के काम में आता है ये। क्लियर? इसको जॉयस्टिक बोलते हैं। ओके, ये सब जो नाम इसमें दिया है ये सब इनपुट, ठीक है, डिवाइस के उपकरण के उदाहरण है। क्लियर? और आगे पढ़ते हैं क्या दिया है आपका, दिया है आउटपुट डिवाइस। इसमें दिया बेटा कि पहला पॉइंट है, इस इकाई का उपयोग कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण दिया है मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। अब मॉनिटर दिखा, देखो ये है, ये सब आपको टीवी जैसा ही दिखेगा मॉनिटर, है ना, या लैपटॉप की स्क्रीन को मॉनिटर बोला जाता है, अरे मॉनिटर जैसा होता है, ये सब मॉनिटर होते हैं बेटा। क्लियर? और क्या दिया है आपको, प्रिंटर तो देख ही रहे हो आप, जैसे आप जेरोक्स वगैरह निकलवाते हो या प्रिंट आउट मरवाते हो, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ, आप जेरोक्स निकालते हो, आप मार्केट बाजार में है ही है, दिखाने की जरूरत तो है नहीं। और नेक्स्ट क्या दिया है आपका, स्पीकर, स्पीकर भी बताने की जरूरत नहीं है, स्पीकर आप मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध देख ही रहे हो, डीजे वगैरह जो स्पीकर ही है, घर पे भी स्पीकर बहुत, आप ब्लूटूथ वाले स्पीकर रखते हो। क्लियर? और आगे पढ़ते हैं बेटा क्या दिया है, अब दिया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का इतिहास। इसमें दिया है आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वह अचानक ही विकसित नहीं हुआ, बल्कि यह हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजें और विभिन्न प्रकार की आविष्कारों से संभव हुआ है। सही बात है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं, 50 सालों से चला आ रहा है ये। उसने पहला दिया है अबेकस। अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और क्या दिया है, इसका उपयोग जोड़ एडिशन, मतलब जोड़ मतलब एडिशन, घटाने मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता था। देखो अबेकस कैसा होता था मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है, अबेकस कंप्यूटर ना, अबेकस, ठीक है, आप अगर डालोगे तो आपको सीधा यहाँ पे दिखा देगा अबेकस कंप्यूटर कैसा होता था, ठीक है, ये देखो ऐसा होता था। अब ये मॉडर्न अबेकस है अभी का, लेकिन ये ऐसा होता था,
क्लियर, ये किस काम में आता था, जोड़ने घटाने कार्य में आता था, ये भी कंप्यूटर बोला जाता था। आप सोचोगे ये कैसा कंप्यूटर है, तो ऐसा होता था। देखो लकड़ी का दिख रहा है इसमें अलग, मतलब इतना समझ लो कि पहली सीढ़ी, मतलब पहला कोई ऐसा टेक्निकल चीज बनाया गया हो जिससे कि कोई जोड़ घटाने की का कार्य आसान हो गया हो, तो ये था पहला अबेकस। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, नेपियर बोन्स। नेपियर्स बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड में 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा कुछ आयताकार पट्टियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका प्रयोग एडिशन मतलब जोड़ने के लिए, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा के लिए, और डिवीजन मतलब भाग देने के लिए किया जाता था। अब ये नेपियर बोन्स कैसा होता था, देखो मैं दिखाता हूं आपको। नेपियर बोन्स ये देखो ऐसा होता था। ठीक है, ये भी जोड़ घटाने के कार्य में आता था। ठीक है, ये इसका आविष्कार किया गया था 1617 में, ये नोट में दिया हुआ है, पढ़ लेना आप लोग। और अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिया है स्लाइड रूल। इसमें दिया है कि स्लाइड रूल का आविष्कार जर्मनी में 1620 में विलियम ऑट्रेड के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, लघुगणक मतलब लॉगरिदम एवं त्रिकोणमितीय फलनों मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की गणना के लिए किया जाता था। अब ये स्लाइड रूल कैसा होता था मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो ऐसा होता था स्लाइड रूल कंप्यूटर। ठीक है, अब ब्लैक एंड व्हाइट में देखोगे तो अलग ही दिखेगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या दिया है। पास्कल्स कैलकुलेटर, पास्कल का गणना यंत्र। पास्कल्स कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में 1642 में ब्लाइसी पास्कल के द्वारा किया गया था। यह गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। वास्तविक मतलब अभी जो था ठीक था, लेकिन ये वास्तविक मेन था। इसका प्रयोग एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और डिवीजन मतलब भाग देने के लिए किया जाता था। अब इसको दिखा देता हूं कैसा था आपका पास्कल का गणना यंत्र, ये भी देख लो। ये देखो बेटा ऐसा होता था। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसा दिखेगा और थोड़ा कलर में ऐसा दिखेगा। तो ये था आपका पास्कल का गणना यंत्र। और नेक्स्ट देखते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लिबनीज। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि इसका आविष्कार जर्मनी में 1671 में ग्राट फीड विलहेल्म लाइबनिज के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण पास्कल के कैलकुलेटर में कई महत्वपूर्ण बदलाव के बाद संभव हुआ। इसका प्रयोग एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और डिवीजन मतलब भाग के लिए किया जाता था। अब इसको भी देख लेते हैं, लिबनिज का मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लिबनिज, ये देखो बेटा ये है लिबनिज का कैलकुलेटर, इसके द्वारा ये कार्य होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा विभिन्न बीज गणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इस मशीन में सॉफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक विभाग, रेल विभाग, बीमा विभाग तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, डिफरेंस इंजन
कैसा होता था, ये देखो बेटा ऐसा होता था, क्लियर। इस डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, ये भी काफी उस टाइम अच्छा माना जाता था। आगे देखते हैं क्या दिया है कि एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज एक ऐसे ही यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसमें इनपुट आउटपुट स्टोर कंट्रोल तथा मिल जैसे मुख्य पांच भागों में बांटा गया था, जिसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफी हद तक मिलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंक गणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी, बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का विचार भी इसी मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ये देखो बेटा, ये था एनालिटिकल इंजन, क्लियर। ये पुराने पुराने हैं, ट्रिपल सी में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसलिए इसको दिमाग में सब भर लेना। अब नेक्स्ट क्या दिया है, टैबलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार 1980 में हरमन हॉलरिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच्ड कार्ड में स्टोर किया जाता था। 1896 में होलेरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मतलब IBM कर दिया गया, क्लियर। अब ये इसको पढ़ लेना, टैबलेटिंग मशीन देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखो ये ट्रिपल सी में अनिवार्य होते हैं, ये जो कंप्यूटर का इतिहास दिया है ये सिर्फ ट्रिपल सी में आता है, ठीक है। इसका कहीं भी आपको नौकरी वगैरह में करने में कोई काम में नहीं आता है, ठीक है। ट्रिपल सी पास करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान देना। तो ADCA में तो जो आपका आएगा सेकंड चैप्टर से वो स्टार्ट हो जाएगा, ADCA+CCC, ठीक है। लेकिन ये ओनली फॉर ट्रिपल सी है, ठीक है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, Mark 1। इसका आविष्कार 1930 में हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी, इसको भी दिमाग में रख लेना, अंदर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है, इनियक। इनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसको एनियक भी बोलते हैं। इसका आविष्कार 1946 में जे प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मॉसली के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है, ये दिमाग में इसको भी रख लेना, ये पहला था। और दूसरा क्या है, EDSAC। EDSAC का फुल फॉर्म क्या है, EDSAC का फुल फॉर्म दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1949 मतलब 1949 में मॉरिस मॉरिस विल्केस के द्वारा किया गया था, इसको भी दिमाग रख लेना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या टॉपिक दिया है बेटा, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब फर्स्ट जनरेशन क्या था, 1946 से लेके 1954 तक, है ना। पहला पॉइंट क्या है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, दिमाग में रखना ये सब चीजें हमेशा। वैक्यूम ट्यूब को 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ली डिफॉरेस्ट द्वारा विकसित किया गया था। स्टोरेज के लिए चुंबक ड्रम और चुंबकीय कोर का उपयोग हुआ। कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम से किया जाता था, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, आउटपुट को प्रिंटआउट के रूप में प्रदर्शित किया गया था, ठीक है, ये दिमाग में रखना ये सब चीजें। और आगे चलते हैं,
नेक्स्ट दिया है इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं, पहला क्या है इनियक, दूसरा इडीवैक, तीसरा यूनिवैक फर्स्ट, तीसरा यूनिवैक टू, और सॉरी चार हो गए, पांचवा आईबीएम 701 और आठ नेक्स्ट है आईबीएम 650। ठीक है, तो इसको नोटबुक में दिया है, देख लेना आप लोग वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है, नोटबुक में चित्र दिया गया है। ठीक है, आपको पीडीएफ भी दिया गया है या मिल जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट दिया है आपका बेटा सेकेंड जनरेशन है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया गया है ध्यान से सुनना है मेरी बात। फर्स्ट जो चैप्टर है ये आपको ट्रिपल सी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो नोट मिला है इसको आप जितना चाहे उतना बार बार पढ़ लेना। ठीक है, और वीडियोस भी अच्छे से देख लेना, और इनके एक एक शब्द को ध्यान में रख लेना आप लोग। ठीक है, ये नौकरी में कोई काम में नहीं आता है, आप अगर कहीं नौकरी करने जाओगे या आप कोई बिजनेस करते हो तो इसमें फर्स्ट चैप्टर किसी काम का नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा और उतना इसके गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रिपल सी के लिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स पे विशेष ध्यान देना आप लोग। ओके, चलो।